हम आ गए हैं अभी लोधा जनजाति के गांव में, मौसक पा रहे हैं जाल। क्या है ये जाल? मछली मारने के लिए, मांस मारने के लिए जाल है। और तो यार कभी करीब 30-40 किलोमीटर के बाद मेरा डेस्टिनेशन आ गया है। और तो अभी हम हैं मेदिनीपुर। जो भी मेरा क्लासमेट होंगे पीजी का, जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, वो मेदिनीपुर के बारे में पता होगा। और मेदिनीपुर में एक जनजाति है लोधा जनजाति। और भाई साहब जा रहे हैं अभी लोधा जनजाति के गांव में। तो अभी मुझे विदिशा आने का कोई प्लान नहीं था। हम सोचे थे कि यहाँ से खड़गपुर जाएंगे, जालेश्वर से खड़गपुर, और खड़गपुर में एक रात स्टे करेंगे। तो ये रहा वो विदिशा जहाँ पे हम लोग रुके थे, ये पीछे वाला गेट है। और ये एक स्कूल है, दिखाते हैं अभी। भाई साहब याद आ रहा है, वहाँ पे हम लोग नहाते थे और इस रूम में हम लोग रहते थे कुछ 4-5 बंदे। और यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते थे, यहाँ पे सारा स्टूडेंट हम लोग जमा होते थे। और इधर है सरिता भवन। सरिता भवन। और यहाँ पे सांप बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम लोग का जो हेड सर थे, उन लोग यहाँ पे रहते थे। सारा स्टूडेंट इधर से यहाँ पे आते थे। और ये रहा सरिता भवन। यहाँ भी हम लोग रहते थे। अगर आप लोग को याद आ रहा हो ये बिल्डिंग सरिता भवन, तो कमेंट ज़रूर करना। और हम पहले सोचे थे यार कि जहाँ हम रिसर्च के लिए पहले गए थे ना, वहाँ एक बार तो हम ज़रूर जाएंगे। अब जो लोग नए हैं, इस बारे में पहले हम बता देते हैं कि यहाँ हम क्यों आए हैं। तो हम लोग यहाँ पे लोधा जनजाति पे रिसर्च करने आए थे। और लोधा जनजाति लोगों का जो घर है और उन लोग का जो पाड़ा है, जो गाँव है, वो करीब 500 मीटर आगे है। तो हम लोग रुकने का जो व्यवस्था था वो इधर था। और यहाँ पे खाना वाना हम खाते थे, तो यहाँ पे सब कुछ डिसिप्लिन से रहते थे। और खाना पीना खाने के बाद हम लोग जाते थे जो लोधा जनजाति का जो गांव है, वहाँ जाते थे हम लोग रिसर्च करने। उन लोग का संस्कृति क्या क्या है, उन लोग का वेशभूषा क्या है, उन लोग का व्यवसाय क्या करते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, ये सब के बारे में जानने के लिए। और हम लोग रिपोर्ट बनाते थे। यह है प्रबोध भौमिक मेमोरियल का लाइब्रेरी। ये प्रबोध भौमिक कौन है? तो प्रबोध भौमिक एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो लोधा जनजाति के ऊपर फर्स्ट रिसर्च किए थे। और वो कुछ 2-3 साल रिसर्च किए थे। और उनका लोधा जनजाति के ऊपर फर्स्ट बुक आया था लोधास। यहाँ पे कुछ खरगोश वगैरह हुआ करता था। और ये एक स्कूल है। देखिए भाई, ये हंस एक मिल गया अभी तक। और उधर गर्ल्स लोगों के लिए लॉज हुआ करता था। और उधर रहा लोधा जनजाति के लोगों का पाड़ा। तो ये अंकल जो है वो हम जब हम लोग रिसर्च करने आए थे उस टाइम खाना बनाते थे। खाना बनाते थे हम लोग के लिए। और पशुपति कोटाल जो है वो तो वैक्सीन लेने गए हैं। कितना देर में आएंगे? कब गए? 3 किलोमीटर। यार पहले हम पूछ रहे थे ना कि विश्वजीत कोटाल था नाम उनका, तो हम नाम बोल रहे थे, बट मेरे पास फोटो है उनका,
और जितना सारा जो फ़ोटो है ना पहले का, वो सब एक पेन ड्राइव में हम सेव करके रखे थे, जो आज मेरे काम आया। और यहाँ पे लोधा ट्राइब्स का कितना टोटल घर होगा? 300 चारों पाड़ा मिला के 300 घर कुछ है। और हम लोग रिसर्च भी किए थे लेकिन माइंड में अभी याद नहीं है, क्योंकि वो रिसर्च पेपर तो जमा हो गया था अपने यूनिवर्सिटी में। पहचान रहे इनको? विश्वजीत कोटाल, कोटाल इन्हीं से हम मिलने आए थे। और अभी थोड़ा गांव घूमेंगे और तो हम आ गए हैं अभी लोधा जनजाति के गांव में मोसुक पाड़ा। और जब हम रिसर्च में आए थे ना तो पशुपति कोटाल जी मेरे साथ में थे। और जस्ट विश्वजीत कोटाल, अरे यार दो कोई बंदा थे, विश्वजीत कोटाल, पशुपति कोटाल। और ये सामने तालाब रहा, बोल रहे कि बारिश बहुत ज्यादा हुआ था इसलिए इस बार खेती ज्यादा नहीं हुआ। 2 साल पहले मिले थे, उस टाइम भी रिसर्च में मेरे साथ थे और आज भी साथ में हैं। और इधर इधर लोधा जनजाति लोगों का घर है, ये इनका तालाब और पूरा इसी तरह है। ये लोधा जनजाति का मकान है और यहाँ भाई साहब बंसी, ये क्या बना रहे हैं? जाल 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 ये जाल बना रहे हैं। और इन लोग का ऐसा घर है, मिट्टी का घर है, मिट्टी का घर है, मिट्टी का घर। और इन लोग खाना बनाने के लिए ये जलाते हैं, ये ऐसा कुछ है। लोग यहाँ पूजा करते हैं, लेकिन इन लोग का जैसा भी घर है ना, साफ सफाई में एक नंबर रहते हैं। चलिए चलिए मौसम पड़ा देख रहे यार, इन लोग अच्छा, इन लोग साफ सफाई काफी अच्छा खासा रखते हैं। इन लोग यहाँ पे मछली डालते हैं और ये रहा उन लोग का धान वगैरह। और जो मेरा बैग है ना, ट्रैवल बैग, वो जो बड़ा वाला था, और लैपटॉप, वो एक दुकान में हम रख दिए। और उसके बाद सोचे कि चलो एक बार गांव देख लेते हैं, गांव देखने के बाद फिर हम जाएंगे वापस। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है इस गांव में। ये लोधा जनजाति लोगों का खेत है, इन लोग यहाँ पे कुछ धान धान ये छोटा सा नाला गया हुआ है। और ये हुआ मौसम पाड़ा ना, ना मौसम पाड़ा, ए मौसम का सेटा मौसम पाड़ा और उधर किया पाड़ा। यहाँ पे एक दुकान हुआ करता था, दुकान अभी नहीं है। और जस्ट ये जो नहर दिखा ना आपको, नहर के जस्ट वो साइड रहा मौसुक पाड़ा, और नहर के ये साइड आ जाओ तो ये हुआ तियर पाड़ा। टोटल 4 पाड़ा है। चल रही घर से ना, और जब हम लोग रिसर्च में आए थे ना, तियर पाड़ा वो सामने दिख रहा है ना वो नल, तो ये भी हम लोग काउंट किए थे कि पूरे गांव में कितना नल लगा हुआ है, इन लोग पानी का सीधा क्या है। और इन लोग यहाँ पे ये मछली डालते ना, मछली डालते मछली, और ये बना रहे हैं जाल। क्या है ये जाल? मछली मारने के लिए, माछ मारने के लिए, माछ मारने के लिए जाल है। और इन लोग का ये रहा घर,
और ये कुछ इन लोग बना रहे हैं। है। क्या है, क्या होता है इसे? ये ऐसा कुछ बनाते हैं ये। तो हमने पूजा करने के लिए जगह और यहाँ पे जानवर वगैरह बांधते हैं। तो पहले से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, 2 साल पहले जिस तरह था अभी भी कुछ वैसा है। अरे भाई साहब, अभी क्या हुआ कि गांव तो हम पूरा घूमे, जो तियर पड़ा था, मोसो पड़ा था, अजीब है ना, ठीक है। तो मेरा जो कैमरा का बैटरी था वो डिस्चार्ज हो गया था। तो जिस दुकान में हम अपना बैग रखे थे ना, तो दुकान आए उसके बाद जस्ट अभी हम बैटरी लगाए। करीब 1 घंटा हम घूमे सिर्फ कैमरा से लटका कर, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बैटरी डाउन हो गया था। और इस दुकान पे मेरा बैग रखा हुआ था। और अब हम चलते हैं हाईवे, क्योंकि वहाँ हमें मिलेगा होटल रात को रुकने के लिए। और कल सुबह हम निकलेंगे खड़गपुर, और खड़गपुर से शायद बर्दवान। कल देखते हैं कल कितना किलोमीटर डिस्टेंस तय कर पाते हैं। पशुपति जी भाग रहे हैं। तो ये रहे पशुपति होटल। कोई दिक्कत हुआ तो इनको कॉल करेंगे। लोकल है भाई, आसपास है, जो लोकल आसपास दिक्कत है। ठीक है ठीक है, कॉल करेंगे। ओके, अभी जिनसे बात करवा है ना, पशुपति कोटाल, उनके बड़े भाई है विश्वजीत कोटाल। ठीक है, लोधा जनजाति का जो गांव है उसका भ्रमण हो गया। और इधर धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है। सामने है कालीपाड़ा, मौसम पाड़ा, पियर पाड़ा, और एक और कोई था भूल रहे। तो इतना सारा पाड़ा था। और ये रास्ता जाएगी हाईवे तक, चेन्नई कोलकाता हाईवे।